हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेली यूपीएससी एमसीक्यूज ऑन 30th and 31st January। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट सीधे मूव करते हैं एमसीक्यूज पर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इज कंसर्न विद, तो कमेटी से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी न्यूज में थी, ये जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरसीईपी से रिलेटेड, आरसीईपी बहुत न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, ये जो है आसियान प्लस सिक्स मेंबर से रिलेटेड है। आसियान प्लस सिक्स आएंगे इसमें, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर आप उसमें प्लस टू और कर दें, यूएस और रशिया को भी उसमें डाल दें, तो वो जो है आपकी ईस्ट एशिया कंट्रीज बन जाएंगी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आरसीपी रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आसियान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं, विच ऑफ द टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन असम। तो सबसे पहले के ऊपर नजर डालेंगे काजीरंगा। काजीरंगा जो हमारा ये टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये हमारे आसाम में है, तो जहां पर आपका सेकंड नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए 50-50 हो गया काम, अब तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिए औरंग हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नुमेरी, ये सारे के सारे जो हमारे आसाम में हैं। और ध्यान रखें काजीरंगा में जो है हमारे पास वर्ल्ड के 2/3 one horn rhinos हैं, 2/3 one horn rhinos आपको आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ये पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्रा के बैंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2018-19। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमारी 7 से 7.5% जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इन फिजिकल ईयर 2018-19 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 17-18। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी 17-18 में जो हमारी ग्रोथ रेट रही वो 6.7% रही और 18-19 में 7.0-7.5% रहेगी। ये आप स्क्रीन पॉज करके ये पढ़ सकते हैं या पीडीएफ में भी ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ साइक्लोन इन ट्रॉपिकल रीजन is called a hurricane if its wind speed is more than or equal to 150 km/h। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चीज में हमें ये पता होना चाहिए साइक्लोन क्या होता है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे ना। इन मेट्रोलॉजी अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास, ये एक लार्ज स्केल एयर मास होता है दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो इस तरफ से ये रोटेट हो रही होती है ना एयर, एक स्केल जो है लार्ज स्केल एयर मास रहेगा, ये रोटेट कर रही होगी राउंड दी, और इसके अंदर जो है आपका एयर प्रेशर कैसा होगा, आपका लो होगा, यानी कि जिस सेंटर के अराउंड जो है साइक्लोन रोटेट करता है वो एक लो प्रेशर, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर रीजन होता है। और ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स जनरली हम इंक्लूड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी हमारा रीजन है जहां पर हमारा जनरली हॉट क्लाइमेट होता है उसको हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। ऐसे हमारी अर्थ यहाँ 20 से 0 डिग्री आपका जो जाती है दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर हमारे 23.5 डिग्री या 23/1/2 डिग्री नॉर्थ में अगर हम चले तो ये रहेगी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे ये रहेगी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो रीजन रहेगा इसको हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं, इसको हम सनशाइन कंट्रीज भी बोलते हैं और इसको जो हम एक ट्रॉपिक रीजन भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रॉपिक रीजन है ये 7 sub regions में डिवाइडेड है, नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ इंडियन ओशन, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलियन रीजन और साउथर्न पैसिफिक। तो अगर आप यहां पर देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ये आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन वाला जो रीजन है ये देखिए अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा और साउथ अमेरिका के नजदीक पड़ता है, यहां पर हम इनको जो है ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, साइक्लोन्स को हम इन रीजन में क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन्स बोलेंगे। और जो हमारा इंडियन ओशन वाला जो रीजन है यहां पर हम साइक्लोन्स को जो है साइक्लोन्स ही बोलते हैं, और ये जो हमारा पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है यहाँ पर हम साइक्लोन्स को साइक्लोन्स नहीं, यहाँ पर हम साइक्लोन्स को टाइफून्स बोलते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, साइक्लोन इन ट्रॉपिकल रीजन इज कॉल्ड ह्यूरिकेन इफ इट्स विंड स्पीड, स्पीड से तो कोई लेना देना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉमिक्लेचर के आधार पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी। तो जहां जहां फर्स्ट है वो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, पूछ कह रहा है करेक्ट। दूसरा, ह्यूरिकेन इरमा विच अफेक्टेड द कैरेबियन रीजन, ह्यूरिकेन इरमा ने कैरेबियन रीजन को जो है अफेक्ट किया था इन 2017 वाज कैटेगरी 5 हुरिकेन। जी हाँ जी, कैटेगरी 5 हुरिकेन जो है हुरिकेन इरमा था।
The Hurricane Harvey which affected the US in 2017 was category 4 था, ये statement गलत हो जाएगी हमारी, इसमें हो जाएगा 2 only is correct. अब category के हिसाब से हम divide करते हैं. अब ये जो hurricane है जिनको हम generally cyclones को Atlantic Ocean region में बोलते हैं, इनके categories है हमारे पास. category 1 होगा अगर इसकी speed जो 192-153 km per hour रहेगी. category 2 रहेगा 154-170 किलोमीटर पर आवर. कैटेगरी 3 रहेगा 178-208. फिर कैटेगरी 4 209-251 और मोर देन 252 हमारे कैटेगरी 5 में रहेगा. तो जो यूरिकेन इरमा है ये एक कैटेगरी 5 है और इसने जो है कैरेबियन कंट्रीज को हिट किया था. यूरिकेन मारिया जो है ये जो है कैटेगरी 5 का था और यूरिकेन हार्वे जिसने यूएस को हिट किया था ये जो है कैटेगरी 4 था. ध्यान रखें यूरिकेन इरमा और यूरिकेन मारिया काफी न्यूज में थी, कैटेगरी 5 है और यूरिकेन हार्वे जो है कैटेगरी 4 है. अगर आपसे इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा यूरिकेन हार्वे आया था, उसके बाद आया हमारे पास यूरिकेन इरमा और उसके बाद हमारे पास आया है यूरिकेन मारिया. अब फ्रेंड्स कैरेबियन रीजन को लोकेट कर लेते हैं. तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, भारत से हम चलेंगे वेस्ट की तरफ और सीधे ले चलता हूं मैं आपको यहाँ कैरेबियन. ये देख सकते हैं आप कैरेबियन सी, ये देख सकते हैं आप कैरेबियन सी. तो कैरेबियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करेगी, वेनेजुएला कैपिटल कैरकास, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, उसके बाद पनामा. पनामा पेपर्स काफी न्यूज में थे. पनामा पेपर को जो है आईसीआईजी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स के द्वारा रिलीज किया गया था, जो कि हमारे वाशिंगटन डीसी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है. पैराडाइज पेपर भी काफी न्यूज में थे, उसको भी जो है आईसीआईजी इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो है रिलीज किया था. ये देखते हैं आप पनामा. पनामा के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा कोटरिका, कोटरिका के बाद निगाराउ, उसके बाद ह्यूंडरस, बेलीज, बेलीज ऑफ मेक्सिको, फिर यहाँ पर जो है केमैन आइलैंड्स, जमैका, जमैका से हमारे हुसैन बोल्ट है, फिर क्यूबा कैपिटल हैवेना, जमैका की किंगस्टन है, बहामास यूएसए, फिर टर्क्स एंड कोकोस आइलैंड्स, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर पोर्ट आउ प्रिंस, उसके बाद पोर्टो रिको, मोनस्टेड, फिर यहाँ पर आपके वर्जन आइलैंड्स रहेंगे, फिर एस्टिलूसिया, टोर्नाड एंड टोबैको, कुरेकियो और एरुबा. इस तरह से ये जो है हमारी कैरेबियन जो है कंट्रीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक एनजीओ हैज रिमूव्ड द स्नो लेपर्ड फ्रॉम द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज. क्या ये बात सही है? नहीं, रिमूव नहीं किया है, स्टेटस चेंज किया है फ्रॉम इनडेंजर्ड टू वनरेबल. इनडेंजर्ड टू वनरेबल अब जो है नया स्टेटस हमारे पास रहेगा स्नो लेपर्ड का. पैंथेरिया यूनिसियस का साइंटिफिक नेम है. Endangered to vulnerable अब इसका जो है threatened, जो रेड लिस्ट है threatened species उसे रिमूव नहीं किया है, इसका स्टेटस चेंज किया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी. तो जब फर्स्ट गलत हो गई तो जहां जहां जो है वन है उस स्टेटमेंट को मैं काट सकता हूं और 50-50 हो गया. IUCN has estimated the global population of snow leopard as more than 2500 but fewer than 10,000 mature individual and decline of at least 10% over the three generations. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा मेरा बी. याद देखते हैं IUCN has changed the snow leopard status on the land list from threatened species from endangered to vulnerable और सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड और इसमें भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो पहली स्टेटमेंट दी है इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. जी हाँ जी, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अगर यहां पर दिया जाता भी इट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जानी थी, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी. इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन रिसीव. जी हाँ जी, दोनों स्टेटमेंट हमारी इससे रिलेटेड जो है ठीक है. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर सिक्योरिटीज इश्यूज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर लीजिंग इंश्योरेंस बिजनेस चीट बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं होगी. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीज. ये बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं. जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनके जो फंक्शन है वो बैंक की तरह ही सिमिलर रहते हैं, लेकिन कुछ एक जो डिफरेंस है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में वो है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स. कोई भी इंश्योरेंस आपकी अवेलेबल नहीं होगी आपको अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में डिपॉजिट करते हैं. और
non-banking financial company whose asset size is of 500 crore or more as per last audited balance sheets are considered as a systematic important NBFCs. Next है special drawing rights related जो है हमारी जो currency basket है IMF की उससे related जो news है recently ये news में इसलिए रहा क्योंकि Chinese की जो renminbi भी जो currency है इसको जो इसमें include कर दिया गया है तो इसमें बोला गया भी कौन किस किस को ये consist करेगा तो recently Chinese renminbi भी जो है इसमें introduce हुआ है तो जहाँ पर three नहीं है उसको मैं काट सकता हूँ अब उसके बाद US dollar जी हाँ जी ये भी इसमें है जापानी जेन भी है और पाउंड स्टीलिंग भी है इंडियन रुपीज इसमें नहीं है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और करेंसी बास्केट हमारी आईएमएफ की उसमें इंडियन रुपी नहीं है तो सेकंड जहां जाए वो गलत हो जाएगा तो इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 and 5 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स एज ऑफ 2004.2 बिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इक्वल टू अबाउट $291 बिलियन हैड बीन created and allocated to members SDR can be exchanged for freely usable currencies aur isme jo hamare US dollar euro chinese renminbi japanese yen british pound sterling jo hai isme shamil hai next question is which of the following forms a part of non debt receipts of the central government receipts from spectrum option jahan se government ko jo hai ye ek aise instruments hote hain jahan se jo government ko koi bhi debt create nahi hota hai to receipts from spectrum option ji haan ji isse ये भी हमारे नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स हैं प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट भी नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स में शामिल है रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू फॉरेन गवर्नमेंट से तीनों के तीनों जो इसमें शामिल है नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर द रिसीप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट डेप्ट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट द नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू net of devolution net tax revenue non tax revenue consisting interlay of receipts from spectrum auction and dividend and profits and non debt capital receipts predominantly the proceeds from disinvestments in public enterprises and recovery of loans next question bahut important hai which of the following factors show that gdp of a country cannot be taken as the true index of the welfare of the people of the country question ye pucha ja raha hai bhi इनमें से नीचे दिए गए कौन से फैक्टर ये शो करते हैं कि जो जीडीपी है वो ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अमंग द पीपल तो इसमें देखो अगर फ्रेंड्स आप दिमाग लाएं पहली बात है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अमंग द पीपल मान लीजिए एक कंट्री की पॉपुलेशन है 1000 और सिर्फ हमारे इसमें जो है 10 पीपल के पास ही 90% जो है कंट्री की जीडीपी है लेकिन हम अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे वो तो ग्रो हो रही होगी डाटा तो सबका लिया जाएगा और जब हम जीडीपी देखेंगे तो हम बोलेंगे हाँ जी बहुत रिच कंट्री है तो क्या ये एक सही डाटा है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जी हाँ जी ये जो है बात बोलता है भी ये जो जीडीपी सही फैक्टर नहीं है थर्ड इसमें होगा ही होगा अब थर्ड जहां जाए उसको देख सकते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ये वाला ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो जाएगा अब आप इस नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को देखिए अब फ्रेंड्स आप देखिए कि घर में वुमेन होती है कितना काम करती है वो घर में हाउस वाइफ कोई होती है वो कितना काम करती है अपने जो बच्चे हैं उनको जो है खाना तैयार करके देती है अपने हस्बैंड को जो हाउस वाइफ होती है उनको इतना सपोर्ट करती है वो वर्क एक बहुत ही वैल्यूएबल वर्क होता है लेकिन ये नॉन मॉनेटरी वर्क है और इसको जीडीपी कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है तो ये भी हो जाएगा तो टू कहाँ कहाँ है वो भी इसमें हो जाएगा तो जहाँ टू नहीं है उसको भी लिमिट कर सकते देखिए 50-50 हो गया और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी इसमें होता है तो आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर आप देखते हैं जीडीपी जो है सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफन जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्रीज इन जीडीपी मींस इंक्रीज इन लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल बट इट कैन नॉट बी टेकन एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट दो मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नलिटी अब मान लीजिए एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को जो है फायदा पहुंचा रही है तो उसको तो हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मिलेंगे लेकिन मान लीजिए ये कंपनी इस कंपनी को घाटा पहुंचा रही है तो इसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में लिया जाता है और इसको भी जीडीपी कैलकुलेशन में जो है यूज नहीं किया जाता है इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज नॉट अकाउंटेड इन द इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द टर्म स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफन इज इन यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल एक ऐसी एंटिटी होती है ऑफन इसको टेक्निकल टर्म्स कंपनी भी बोल देती है जो एक स्पेशल नैरो पर्पसेस के लिए जो है बनाई जाती है इसका जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड पर्पस इसका जो है होता है द नेम स्पेशल पर्पस व्हीकल इज गिवन टू एन एंटिटी व्हिच इज फाउंड फॉर अ सिंगल वेल डिफाइंड एंड नैरो पर्पस एसपी कैन बी फाउंड फॉर एनी लॉफुल पर्पस नो एसपी कैन बी
फॉन्ड फॉर एन अनलॉफुल पर्पज। ये बाकी डिटेल्स फ्रेंड्स आप यहाँ पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पास करके भी आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड द सिक्योरिटी मार्केट। जी हाँ जी, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर और स्टॉक मार्केट और बिजनेस रेगुलेटर जो हमारी सेबी है हमारी कंट्री में। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। जी हाँ जी, इसको भी करता है। इट प्रमोट्स अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स अबाउट सेफ्टी ऑफ मार्केट। जी हाँ जी, ये भी जो है सेबी करता है। आंसर हो जाएगा डी, पूछ क्या रहा है, करेक्ट। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1988। इट गॉट अ लीगल स्टेटस इन 1992। सेबी वॉज प्राइमरी सेटअप टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द मर्चेंट बैंक्स, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टू वर्क एज अ प्रमोटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज एंड टू एक्ट एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ न्यू इश्यू एक्टिविटीज ऑफ कंपनीज। द सेबी वॉज सेटअप विद द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और incidentally to the main function of SEBI are to regulate the business of the stock market and other security markets, to promote and regulate the self-regulated business organization, to promote fraudulent and unfair trade practices in security market, to promote awareness among investors and training of intermediaries about the security of market, to prohibit insider training in security trading in security market. SEBI ek statutory body hai aur SEBI ko jo hai सेबी एक्ट 1992 के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल्स ऑफ इंडिया। ब्लैक सॉइल जो है हमारे कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। जी हाँ जी, ये बात सही है, तो डी ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो जाएगा। सैंड एंड सिल्ट मेक्स अप मोर देन 60% ऑफ द सॉइल्स। दे हैव इनवर्टेड प्रोफाइल, तो इनवर्टेड प्रोफाइल गलत है। जो क्ले होती है ना फ्रेंड्स, क्ले जो है ब्लैक सॉइल का 60-70% जो बनाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ब्लैक सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन ह्यूमस एंड फास्फोरस। दे आर रिच इन, इसमें जो है ये रिच होती है आयरन मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम में। क्ले मेक्स अप टू 60-62% ऑफ द सॉइल। और एल्युमिनियम का ध्यान रखें फ्रेंड्स, इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। और क्ले जो है ब्लैक सॉइल का 60-62% जो है इसका बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एंड प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स। कोई भी एक्ट जो है मैक्सिमम फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट जो है सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड है वही जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड है अप टू आपके जेन के तक। बाकी जो कॉन्करेंट लिस्ट हो गया और जो हमारे स्टेट लिस्ट हो गए वो एक्सटेंड नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे एजुकेशन होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इनसे रिलेटेड जो है मैक्सिमम केस में जो है हमारे जे एंड के में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल कैसे होगा जबकि ये जो है जे एंड के में एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान रखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे जे एंड के में एप्लीकेबल नहीं है, तो जहां जहां वन होगा वो एकदम इलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा गया बी और सी, दोस्तों देखते हैं। इट हैज सिक्स शेड्यूल्स व्हिच गिव्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। जी हाँ जी, इसमें सिक्स शेड्यूल है और हर एक शेड्यूल जो है वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। शेड्यूल फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ सेंसेस अंडर दिस आर प्रिसाइड द हाईएस्ट पेनल्टीज। शेड्यूल फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो शेड्यूल सेकंड का रहता है वो जो है ऐसे एनिमल्स की लिस्ट उसमें है जिनको जो है अगर उनकी अगर हंटिंग की जाती है तो उनको जो हाईएस्ट पेनल्टी है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड वो जो है लिस्ट इसमें है। तो थर्ड इसका ये भी सही हो जाएगा। अब बचा फोर्थ। अब देखिए वैसे मेरे को सेकंड और थर्ड देखने की जरूरत नहीं थी, सीधे हमने फोर्थ ही देखना था और हमें आंसर का पता लग जाना था। दी प्लांट्स इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। जी हाँ जी, ये बात भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। जो एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच हैज इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्ट। द सेकंड पार्ट ऑफ जो हमारे शेड्यूल फर्स्ट है और पार्ट सेकंड जो शेड्यूल सेकंड का प्रोवाइड absolute protection, offenses under these are beside the highest penalties. Species listed in schedule 3rd and schedule 4th are also protected but the penalties are much lower. Jo species listed hai schedule 3rd or 4th mein wo bhi protected hai but penalties kya hai hamari much lower hai. Schedule 5th includes other animals which may be hunted. It is very important. Jo शेड्यूल 5 है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड करता है जिनकी हंटिंग, जिनका शिकार किया जा सकता है। द प्लांट्स इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। तो ध्यान रखें शेड्यूल 5 उन एनिमल्स की लिस्ट है जिनकी हंटिंग की जा सकती है। और कुछ एक एनिमल्स जो हमारे शेड्यूल फर्स्ट में है उनमें आता है हमारे पास ब्लैक बक, चीता, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन हमारी नेशनल
एक्वेटिक एनिमल है? गोर, इंडियन बाइसन, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लॉयन, इंडियन वाइल्ड लाइफ, लॉयन ट्रेल मकाऊ। लॉयन लेक मकाऊ ध्यान रखें ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। पाइगम होग, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, टाइगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, घड़ियाल हमारे जो है चंबल रिवर में पाए जाते हैं, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ध्यान रखें फ्रेंड्स जो एलिफेंट है ये जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। बाकी तो आप बता सकते हैं नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भी नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, ये हमारा एलिफेंट है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा गंगेटिक डॉल्फिन है, तो ऐसे आपने थोड़ा इनको ध्यान रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रिगार्डिंग द पेटकॉक? तो पेटकॉक द लेफ्ट ओवर फ्रॉम रिफाइनिंग कनाडियन टार सैंड्स एंड अदर हैवी क्रूड इज चीपर एंड बर्न हॉटर देन कोल। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन एक्सपोर्ट्स एक्सट्रीमली हाई सल्फर लेवल इन दिस रेंजिंग। जी हाँ जी, ये सेकंड स्टेटमेंट तो आप गैस लगा के बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हाई सल्फर लेवल इट हैज एमिशंस ऑफ हैवी मेटल्स। जी हाँ जी, ये भी थर्ड भी ठीक है। चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पेटकॉक इन द वर्ल्ड। जी नहीं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको पता होगा यूएस जो है लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है इसका, तो फोर्थ जहां जाऊंगा वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि मेरा जो सेकंड और थर्ड जो है वो ठीक है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पेटकॉक द लेफ्ट ओवर फ्रॉम रिफाइनिंग कनाडियन टार सैंड्स एंड अदर हैवी क्रूड इज चीपर एंड बर्न्स हॉटर देन, और ये बर्न्स होता है हॉटर देन कोल, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है कोल से ज्यादा रहेगी। पेटकॉक की जो कैलोरीफिक वैल्यू है कोल से ज्यादा रहेगी। यूएसए जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है हमारे पेटकॉक का इन द वर्ल्ड, पेटकॉक दैट इज पेट्रोलियम कोक। और चाइना जो है ट्रेडिशनली हैज बीन द लार्जेस्ट इंपोर्टर, चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बट इंडिया जो है जल्द ही इस जगह को कैचअप कर लेगा। बाकी चीजें आप ही अपनी स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं या पीडीएफ में भी चीजें पढ़ सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब्स अ पोर्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉल्ड यूवी रेडिएशन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जी हां, द फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो जहां फर्स्ट नहीं होगा वो स्टेटमेंट लिमिट हो जाएगी। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो है रिलीज होते हैं क्लोरीन और ब्रोमाइड से, सीएफसी वगैरह होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाएगी, तो जहां सेकंड नहीं होगा वो भी इलिमिनेट हो जाएगी, बचा बी और सी। सम नेचुरल प्रोसेसेस सच एज अ लार्ज वोल्केनिक इरप्शन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन ओजोन लेवल। जी हाँ जी, इससे तो होगा ही होगा। अब फोर्थ देखना, मैंने ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमाइड सोर्सेज ऑन द अर्थ कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। नहीं जी, ऐसा थोड़ा हो सकता है, सारे के सारे क्लोरीन और ब्रोमाइड के सोर्सेज को थोड़ा ये कर सकते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन ये था। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है और ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन को जो है रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। जी नहीं, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है ऐसा बिल होता है जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स होते हैं ना 50% कोटा हमारे मिनिस्टर्स का होता है, उन मिनिस्टर्स के अलावा कोई भी जो बिल इंट्रोड्यूस करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे ऑपोजिशन का है चाहे रूलिंग पार्टी का है, वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। अब जहां जहां मेरा फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या आ गया सी। आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, बाकी टू स्टेट में देखने की मेरे को जुट भी नहीं पड़ी, पर एक बार देख लेते हैं। अ मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज टू गिव प्रियर नोटिस ऑफ वन मंथ। जी हाँ जी, जो भी मेंबर जो है हमारा प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसको जो है एक प्रियर नोटिस वन मंथ का जो है देना पड़ता है, सेकंड स्टेटमेंट में जो हमारी करेक्ट है। अ मेंबर कैन नॉट इंट्रोड्यूस मोर देन फोर बिल्स ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ जी, एक मेंबर जो चार से ज्यादा प्राइवेट बिल्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में, एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट में चार से ज्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल एक मेंबर जो है पेश नहीं कर सकता है। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर एज अपोज टू अ पार्टी, ही शी मे बिलोंग्स टू द पार्टी इन पावर और अपोजिशन। अ मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल हैज टू गिव प्रियर नोटिस ऑफ वन मंथ विद अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस अनलेस द स्पीकर परमिट्स अ शॉर्टर नोटिस। इफ द बिल एकोपनीज द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशंस इफ नेसेसरी द पीरियड ऑफ नोटिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस इन लोकसभा सेक्रेटेड। वंस द बिल इज ड्राफ्टेड इट इज सर्कुलेटेड अमंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू डेज बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन। When the bill is tabled in the House by convention, the motion is not opposed. There have been exceptions, however, a member cannot introduce more than four bills during a session, and while a bill is pending, a similar bill cannot be admitted. Next question काफी मजेदार question है. What is the correct sequence of occurrence of the following cities as one presents? अब देखिए, बैंकॉक हमारी थाईलैंड की capital है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं थाईलैंड. सियोल जो है हमारी साउथ कोरिया capital है, यहाँ पर लिख दीजिए आप साउथ कोरिया. मलेशिया सॉरी क्वालालंपुर हमारी मलेशिया की capital है, और नीचे उलान बतूर ये मंगोलिया कैपिटल है।
अब आपको एक चीज यहाँ से क्लियरली पता लगेगी, सबसे जो नॉर्थ में रहेगा वो हमारे पास क्या है, मंगोलिया, चाइना से भी ऊपर है। फिर उसके बाद आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो हमारा साउथ कोरिया है वो जो चाइना के साथ ऊपर जैसे है, तो ये उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैंकॉक ऊपर है और मलेशिया नीचे है, तो फर्स्ट और उसके बाद हमारा थर्ड, तो फोर्थ सेकंड वन थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको मैप में भी दिखा देता हूँ मैं फ्रेंड्स आपको, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये देखिए इतने ऊपर जाके हमारे मंगोलिया, ये देख सकते हैं मंगोलिया, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये रही इसकी कैपिटल उलान बतूर। मंगोलिया देखिए एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंड बॉर्डर इसका रशिया, चाइना और कजाकिस्तान के साथ रहेगा, तीन ही कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर रहेगा, रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है और कजाकिस्तान के साथ भी रहेगा। उसके बाद अगर आप यहां नजर डालें मंगोलिया, मंगोलिया से नीचे हमारे पास आ जाएगा साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया कैपिटल ये रही हमारे पास यहां पर सियोल, ध्यान रखें इस तरफ से ऊपर नॉर्थ रहेगा नीचे साउथ रहेगा ओके। उसके बाद यहां रहेगा हमारे पास थाईलैंड, थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक, और उसके बाद मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल क्वालालंपुर, सब ज्यादा साउथ में ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता रहता है, तो आप मैप को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है देखा कीजिए। ये आप देखते हैं हमारा साउथ चाइना सी, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर जो है, और इंडोनेशिया साउथ चाइना सी को जो टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है वर्ड फ्लू से रिलेटेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस। अगर फ्रेंड्स आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो H1N1 जो है भैया स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है, ये वर्ड फ्लू से कैसे रिलेट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अगर इलिमिनेट हो जाती है तो 50-50 हो गया, अब लगा दो तुक्का, ऐसे केस में आपने जो है रिस्क ले लेना है लेकिन थोड़ा लॉजिकल लगाना है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वर्ड फ्लू, जी हाँ जी, इंडिया जो है वर्ड फ्लू से फ्री डिक्लेयर्ड है, तो आंसर हो जाएगा बी ओनली इज करेक्ट। H1N1 वायरस कॉज स्वाइन फ्लू, और वर्ड फ्लू है हमारा H5N1, ध्यान रखें वर्ड फ्लू कौन है हमारा H5N1, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं इसको, वर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, H5N1, ध्यान रखें वर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, और 5 सितंबर 2016 से फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। दिस हैज बीन ऑल्सो नोटिफाइड टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट इजी, consider the following statements regarding the geographical boundaries of India, the union of India includes only states and two union territories of the territory, ji nahi वैसे तो 7 union territories hain, to ye to first statement to completely galat ho jayega, to dobara main pahunch gaya 50-50 pe, b ya d mein se hoga। the territory of India includes 29 states, 7 ji haan ji, ab pahunche na point pe, 7 union territories and such other territories as may be acquired by India, to ye ho jayega hamare paas second only, तो हमारी 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अदर जो भी टेरिटरी हमारे गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर्ड की जाती है वो यूनियन ऑफ इंडिया में जो अकाउंट होंगी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 में हमारे अमेंडमेंट प्रोविजन दिए गए हैं। द आइडिया ऑफ अमेंडिंग द प्रोसीजर हैज बीन बोर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जी नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो ये जो आइडिया है ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, दोबारा पहुंच गए हम 50-50 पर। आर्टिकल 368 इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, जी नहीं, आर्टिकल 368 को भी हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमारी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, बाकी इसको अमेंड किया जा सकता है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट, कुछ कह रहा है करेक्ट। द आइडिया ऑफ अमेंडिंग द प्रोसीजर हैज बीन बोर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, आर्टिकल 368 इन इटसेल्फ हैज बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू 24th amendment 1971 and 42nd amendment 1976, however such an amendment bill needs the ratification by not less than half of the state legislators, agar article 368 ko amend karna hai to state legislators ki bhi sammati chahiye, half of the state legislator ki ratification iske liye chahiye। next question, in the context of the dispute regarding the election of the president, which of the following statements are correct, all the doubts and disputes arising out in connection with the election of the president or vice president are required into and decided by the election commission of india, nahi ji, ye hamare sabse bade offices hain, inke dispute ko sirf aur sirf supreme court hi deal karega, first statement galat ho jayegi, pooch kya raha hai correct। if the election of the president or vice president declared void, then acts done by him prior to the date of such decision can be declared invalid, ji nahi, aisa bhi nahi hota, chahe unke election void declare ho jaye lekin usse pehle jo wo kaam kar chuke hote hain wo invalid declare nahi hote hain, to dono hi statement hamari kya ho jayegi, galat ho jati hai yahan par। all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of the president or vice president are inquired into and decided by the supreme court, whose decision is final,
If the election of the president or vice president is declared void by Supreme Court, acts done by him prior to the date of such decision of Supreme Court do not become invalid. They continue to be valid. Next, which of the following organization comes up with the Forest Action Plan 2016-20? ये बहुत ही important और बहुत ही news में है. Forest Action Plan 2016-20 ये हमारे World Bank Group का है और World Bank Group में हमारे 5 institution है. International Bank for Reconstruction and Development और International Development Association. इन दो, ये दो organization हमारी World Bank में भी आती है. Plus MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, International Financial Corporations और International Center for Settlement of Investment Disputes. ये 5 जो है हमारे इसमें World Bank Group में आते हैं. और ध्यान रखें, Ease of Doing Business, Logistic Performance Index, World Development Report, ये सारी सारी World Bank की जो है रिपोर्ट्स रहती हैं. तो World Bank Group जो है इसके साथ आया है Forest Action Plan 2016-20. Consider the following statements with regard to Indian Prime Minister. The Prime Minister is appointed by President. जी हाँ जी, President द्वारा appoint किया जाता है. तो first statement ठीक है, जहां पर सिर्फ 2-2 है. In Indian political system, the President is the head of the government. जी नहीं, head of the government हमारे PM होंगे और head of state हमारे President होंगे. तो second statement हमारी गलत हो जाएगी. Only one is correct. Answer तो यही नजर आ गया था आपको. तो ये आप पढ़ चुके हैं, पढ़ सकते हैं, ये हम बहुत बार जो है discuss कर चुके हैं इसको. Recently, the quadrilateral grouping was in news. Which of the following countries is not a part of it? तो quadrilateral grouping news में थी और इसकी meeting अभी जो है ASEAN meetings द्वारा मनीला में हुई. इसके member हैं India, Australia, US एंड जापान. तो साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं है. आंसर जाएगा डी. क्वाड्रिलेटरल के जो है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं. इंसुरी साइलेंस इज एसोसिएटेड विद. तो इंसुरी साइलेंस ये जो है इंश्योरेंस है हमारे G7 कंट्रीज की. ये जो क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस है जो कि एम्स करती है इंक्रीज एक्सेस टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर अप टू 40 मिलियंस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज. बाकी डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके चाहे पीडीएफ में पढ़ लेना. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोक्सिमा सेंचुरी. तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है एक क्लोजेस्ट स्टार है टू द सन. तो क्लोजेस्ट स्टार टू द सन कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी. अगर फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्लोजेस्ट स्टार टू अवर अर्थ तो कौन होगा? वो सन होगा. सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर अर्थ. ओके, एक जेनोसोलॉजिकली क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए. It is orbited by the Earth size temperature approximately being discovered to the sixth closest exponent to the solar system. जी हाँ जी, ये सेकंड भी करेक्ट है. तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट. Proxima Centauri or Alpha Centauri is a red dwarf, a small low mass star about 4.25 light years from the sun in the constellations of the Centaurus constellation. जो हमारे ग्रुप ऑफ स्टार रहते हैं. It was discovered in 1915 by the Scottish astronomer Robert Innes के द्वारा. जो इसको डिस्कवर किया गया था Proxima Centauri को, Robert Innes के द्वारा Proxima Centauri को जो है डिस्कवर किया गया था. The director of Union ऑब्जर्वेटरी इन साउथ अफ्रीका एंड इज द नियरेस्ट नोन स्टार टू द सन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली अनाउंस्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स. दे आर इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट्स विद द लाइफ ऑफ 15 डेज. जी हाँ जी, दे विल बी अवेलेबल फॉर परचेज ओनली फ्रॉम एनी पब्लिक सेक्टर बैंक. जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ SBI और SBI ब्रांच से ही अवेलेबल है. सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है. तो जहां सेकंड होगा उसको इलिमिनेट करो सबसे पहले. अब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा बी, थर्ड देखने की जरूरत नहीं है. ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पूल्ड इन द मोस्ट रिसेंट इलेक्शन कैन रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. फर्स्ट और थ्री क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज ईच मंथ इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर. इलेक्शन के टाइम्स भी 30 डेज के लिए निकलेंगे. और ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रूप में ये होंगे. और ये जो है कैन बी इनकैश्ड ओनली थ्रू द पार्टीज बैंक अकाउंट और कैन ओनली बी ब्रॉट फ्रॉम स्पेसिफाइड SBI ब्रांचेस. कैन ओनली बी ब्रॉट फ्रॉम स्पेसिफाइड SBI ब्रांचेस. परचेजर मस्ट पे फ्रॉम KYC कंप्लीट बैंक अकाउंट. बॉन्ड्स विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द पेई एंड विल बी वैलिड फॉर 15 डेज. कैन बी यूज्ड फॉर डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ओनली. In the context of gravitational waves, consider the following statements. Gravitational waves are electromagnetic radiation predicted by Albert Einstein. Albert Einstein जी ने इनको predict तो किया था, लेकिन ये electromagnetic radiations नहीं है. First गलत हो जाएगा. तो जहां जहां one है उसको eliminate कर दो. 50-50 बच गया. Gravitational waves moves outward from the source at the speed of light. जी हाँ जी, second जो है ठीक है. Answer जाएगा B.
Gravitational waves are traveling ripples in space-time and they arise when heavy objects accelerate and generate disturbances in the gravitational fields. They are not electromagnetic radiation and it interacts very weakly with the matter and travel through the universe virtually unimpeded or LIGO. हो गया हमारा ये जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी ये इसका जो है ग्रेविटेशन वेव्स जो है संबंधित है. प्लस पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश पोलियो इन पोलियो इन इंडिया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ह्यूमंस आर द ओनली रिसीवर कैरियर ऑफ द पोलियो वायरस कॉल्ड वाइल्ड पोलियो वायरस. जी हां जी सिर्फ ह्यूमंस में ये पोलियो वायरस होता है. द कंट्रीज एडमिटेड टाइप 2 ऑफ द पोलियो वायरस वेरी फ्यू इयर्स अगो. जी हां जी एवरी चाइल्ड अंडर 3 इयर्स. जी नहीं अंडर 3 इयर्स नहीं, 0 से 5 साल जो है इसका एज ग्रुप है. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट. विद द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इन 1998 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एज 1998 प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया. चाइल्ड एज ग्रुप 0 टू 5 इसमें रहेगी. इसमें तीन तरह के टाइप होते हैं. टाइप 2 तो इंडिया से काफी पहले इलिमिनेट हो गया था. ये बाकी इंफॉर्मेशन आप यहां पर जो है पढ़ सकते हैं. Consider the following statements. An RH negative person can donate blood to an RH positive person. अभी जो RH है, जिसको रिसर्च फैक्टर भी बोलते हैं, RH जो होता है, अगर पॉजिटिव लगा है किसी के ब्लड ग्रुप के साथ, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, तो ये बताता है कि मेरे में जो है RH फैक्टर है, प्लस का मतलब मेरे पास है. और मान लीजिए किसी के पास है ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, तो उसके पास ही RH फैक्टर नहीं है. तो मेरे पास है ये एंटीजीन्स है, मैं इनको इसको जो है डोनेट नहीं कर सकता हूं. अगर मैं इसको डोनेट करूंगा तो इसको लेकिन ए नेगेटिव से मैं ब्लड ले सकता हूं. क्यों? क्योंकि मेरे पास तो आरएच है, इसके पास नहीं है, तो मेरे पास तो है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ध्यान रखें, ए पॉजिटिव आपका ब्लड ले सकता है ओ नेगेटिव से. ओ नेगेटिव जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास आरएच फैक्टर नहीं होता है और ये सबको जो है ब्लड दे सकता है. ध्यान रखें, ओ नेगेटिव से ए पॉजिटिव वाला ब्लड ले सकता है और ए पॉजिटिव से भी ले सकेगा और ए नेगेटिव से भी ले सकेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी करेक्ट हो जाएगी. तो जहां जहां फर्स्ट है उसको टिक मार दो, बाकी इलिमिनेट कर दो. अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज. होते नहीं है भैया, इसमें अब सेंस होती है एंटी और एंटी बी एंटीबॉडीज की. तो सेकंड ये गलत हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा मेरा ए ओनली इज करेक्ट. Blood group is determined on the basis of presence of antigen on the surface of red blood cell. Blood group AB has absence of anti-A, anti-B antibodies due to presence of A and B antigen. Antigen होंगे इनमें, okay? तो friends ये बात आप समझ गए ना? O negative universal donor होता है. Negative का मतलब इसके पास RH factor नहीं है. दे दो जिस मर्जी को देना है. कहीं positive वाला मत दे देना. Positive वाले के पास RH factor होगा, वो दूसरी body में जाके क्या कर देगा? Antibodies बना देगा और जो कि risky हो सकता है, बंदे की death भी हो सकती है. Next है Japanese encephalitis related consider the following statements. और इसमें हमने correct statement तानी है. It is transmitted to humans through bites from infected mosquito. जी हाँ जी, mosquito से होता है. Of the Aedes species. जी नहीं, Aedes species तो हमारे Zika virus हो गया. Aedes mosquito जो है dengue, chikungunya और Zika virus, yellow fever वगैरह इनको जो spread करते हैं. और जो female anopheles होती हैं वो malaria से spread करेंगी. और ये जो clucks कुलेक्स ये स्पीसीज है हमारी मॉस्किटो की, ये स्प्रेड करेंगी जापानीज इन्फेलिटिस को, कुलेक्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. तो फर्स्ट जब गलत होगी तो दोबारा 50-50 काम हो गया. देर इज नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज. जी हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है. जापानीज इंसेफेलाइटिस की अब देखो कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, तो सेकंड ओनली करेक्ट हो जाएगा. तो जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो कुलेक्स स्पीसीज. Okay, or virus exists in transmission cycle between mosquitoes, pigs, and water birds. There is no antiviral treatment. Treatment is superative to relieve symptoms and stabilize patients. Our friends, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने इसको सर्च जरूर करना है. भी जो एड्स होता है ये मॉस्किटो की बाइट से स्प्रेड क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए आज का है, इसको आप जरूर सर्च करें. काफी इंटरेस्टिंग आंसर आपको इसमें मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. फॉर दिस कंसर्न कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स, मैंने पता नहीं कितनी बार ये पीआईवी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ये जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क करती है. तो थर्ड स्टेटमेंट कट हो जाएगी. तो जहां जहां थर्ड है उनको काट दो. आंसर ऑटोमेटिकली आ गया बी. यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करती है भी, अगर उसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल सा भी उसके बारे में पता होगा तो आप एकदम आंसर दे सकते हैं.
तो FSSI जो एक स्टैचुरी बॉडी है, इट रेगुलेटरी मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फूड आर्टिकल्स इन इंडिया. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द FSSI एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड एक्ट, ये एक स्टैचुरी बॉडी है. कंसोर्टियम स्टडी रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी रेगुलेशन इन इंडिया. FSSI इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ इन इंडिया थ्रू आउट द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी. Which of the following five chemicals were recently banned from five chemical manufacturers by Supreme Court of India? तो दिवाली के टाइम जो इनको बैन किया गया था, मर्करी, एंटीमोनी, लीड, लिथियम एंड आर्सेनिक, इनको जो है बैन किया गया था. मर्करी, एंटीमोनी, लेड, लिथियम और आर्सेनिक, इनको जो है बैन किया है सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के टाइम से फायर क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग में. विद रेफरेंस टू ISA इंटरनेशनल सोलर साइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें भी आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ISA बिकम फुल स्टेट इंटरनेशनल लीगल एंटिटी आफ्टर द फर्स्ट 15 members countries, जी हाँ जी, first 15 members countries deposit their instrument of ratification. जी हाँ जी, 15 members के ratification के बाद जो है ये fully flagged international legal entity बना. First statement ठीक है, तो जहाँ first नहीं है उसको काट दो. ISA is the first international intergovernmental treaty based organization headquartered in India. जी हाँ जी, गुरुग्राम इंडिया में इसका headquarter है, तो जहाँ पर second नहीं है उसको भी काट दो. यहाँ भी second नहीं है, देखिए third देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी भैया. तो इस तरह से UPSC में आपने question करने हैं, काफी easy होता है. मेरा भी जैसे CDR second 2017 क्लियर है, तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ा टफ उसमें नहीं होता है. ISA is working for deployment of over 1000 gigawatt of solar energy by the year 2030. Consider the following statement about photochemical smoke. Photochemical smoke occurs in cool humid climate. जी नहीं, ये हॉट क्लाइमेट में अक्कर होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. तो फर्स्ट मेरा इलिमिनेट हो जाएगा, जब फर्स्ट इलिमिनेट हो गया तो बचा सेकंड एंड थर्ड ओनली. इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक. इट इज रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जी हाँ जी, एक्शन ऑफ सनलाइट से बढ़ते हैं. फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिएक्ट्स विद सनलाइट. व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरैक्ट्स विद सनलाइट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड एज ओजोन एंड पेरोक्साइड नाइट्रेट. ओजोन और पेरोक्साइड नाइट्रेट जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं. इट अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट. इट डैमेजेस द लंग टिश्यूज. नेक्स्ट है जीका वायरस डिजीज. ये सबसे पहले जो है जीका वायरस जो है उगांडा के जीका फॉरेस्ट है, वहां पर ये सबसे पहले पाया गया था, तो तब करके जो इसका नाम पड़ा है. तो यहाँ पर देखिए बताया गया जीका फॉरेस्ट इन नाइजीरिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. उगांडा में है जी जीका फॉरेस्ट. जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाई दी ह्यूमन पेरिनेटली. जी हाँ जी, ये जो है सेक्सुअली भी आपके ट्रांसफर होता है और माँ से बच्चे को भी जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ओनली ये इज करेक्ट. इन रेयर इंस्टेंस जीका वायरस डिजीज आर ट्रांसमिटेड पेरिनेटली, रेयर इंस्टेंस में ये ट्रांसफर हो जाता है. और बाय ब्लड जीका वायरस डिजीज प्राइमरी वेक्टर बोर्न और एडीज मॉस्किटो के द्वारा काटने से होता है. एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू, चिकुगुनिया, जीका वायरस स्प्रेड होता है. मलेरिया स्प्रेड होगा आपका फीमेल एनोफेनविल मॉस्किटो के द्वारा, और क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा जो आपका जापान इंसेफेलाइटिस जो है स्प्रेड होगा. जीका फॉरेस्ट जो हमारे उगांडा में, उगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है. ये हमारा प्यारा भारत, ले चलते हैं सीधे आपको यहाँ से उगांडा की तरफ, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है. उगांडा और रवांडा साथ में नजर आएंगे आपको, ये छोटी छोटी कंट्रीज है. देखिए उगांडा कैपिटल कंपाला, रवांडा बुरनई, ये सारी सारी लैंडलॉक कंट्री है. उगांडा और तांजेनिया, तांजेनिया कैपिटल डोडोमा, इन दोनों के बीच में आपके पास अगर आप यहाँ जूम करेंगे तो आपको नजर आएगी यहाँ पर लेक विक्टोरिया. लेक विक्टोरिया है हमारी उगांडा, तांजेनिया और केनिया के बीच में, नैरोबी. नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है केनिया में. इन कॉन्सेप्ट नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन, अब ये देखिए नेशनल डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशन क्या है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 मीटिंग्स पेरिस क्लाइमेट डील में जो है सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी नेशनल डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशन दी कि हम इतनी जो है पॉल्यूशन एमिशन को जो है कम करेंगे. ये जो है UNFCCC का कंसीडर फॉर स्टेटमेंट. तो चाइना विल कट CO2 एमिशंस पर कैपिटा बाय 60-60%. जी हाँ जी, इंडिया विल रिड्यूस 33-35% बाय 2030. जी हाँ जी, दोनों ही ठीक है. सी इसका जो आंसर हो जाएगा, चाइना विल कट एमिशन, ठीक है. ये आप देखते हैं लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2017 से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है. प्लाज्मोनियम वाइवैक्स इज द मोस्ट प्रीवेलेंट मलेरिया सब सहारा अफ्रीका. जी नहीं, प्लाज्मोनियम फेलिक्यूरम है, तो ये गलत हो जाएगा. किर्गिस्तान और श्रीलंका 2016 से जो है वर्ल्ड हेरिटेज में मलेरिया फ्री है, तो सेकंड वन इज करेक्ट हो जाएगा. प्लाज्मोनियम फेलिक्यूरम इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट इन सब सहारा रीजन, और किर्गिस्तान और श्रीलंका जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा जो मलेरिया फ्री हो गया 2016 से. लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो स्मोक जो है हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं. तो फर्स्ट इलिमिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड. कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं. ध्यान रखें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 को जो है नहीं देखा जाता है, उसमें PM10, PM2.5, CO, SO2, NO2, लेड, ओजोन एंड अमोनिया.
यही उसमें जो है देखे जाते हैं। That's the end of our today's video, friends. Like, subscribe और share करते रहिए, दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, अपना गोल सेटअप कर लीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तब तक नहीं रुकना जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।